हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंटर टेक्नोलॉजी। इस समय एप्सन के कुछ नए मॉडल्स आए हुए हैं, जैसे एल 3100, 3101, 3110 और 3150, जिसके रिसेटर सॉफ्टवेयर अभी फ्री में मार्केट में अवेलेबल रहे हैं। तो एक बार में फ्री में 100% तक आप कैसे अपने प्रिंटर को रीसेट कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर का की कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक बार में किसी भी मॉडल के प्रिंटर, चाहे वो HP, Epson, Canon, Samsung को आप 10% तक कैसे रीसेट कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो वहाँ से जाके इसे देख लें, और आपके दूसरे मॉडल का मशीन है तो वहाँ से आप 10% से आप अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं 3100 सीरीज़ के बारे में। 3100 सीरीज़ को एक बार में 100% रीसेट करने से पहले हमें उसे सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। ये रहा लिंक, और यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पेज एक ब्लॉगर पे खुलेगा। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये रहा फ्रेंड्स 3100 सीरीज, और हम यहाँ 3100 सीरीज को डाउनलोड करते हैं। चलिए ये डाउनलोड हो गया। अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं। यहाँ स्ट्रेच करते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यदि आपके लैपटॉप या पीसी में एंटीवायरस पड़ा हुआ है तो उसको कुछ देर के लिए पुश कर दें। तो चलिए हम इसको स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मुझे 3 फाइलें नज़र आ रही हैं। इसमें से हम इस फाइल को रन कराते हैं, adjpro.exe की। चलिए इसको रन कराते ही हमें एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से दिख रहा है, और इसमें एक आईडी दिख रही है। हमको करना है इस आईडी को कॉपी, और कॉपी करके करना है हमको मेल। दोस्तों परेशान ना हो, ये मेल और आपको जो की दिया जाएगा वो 100% फ्री होगा। तो चलिए हम देखते हैं फ्री का कीजन हमको कैसे मिल सकता है। हम आते हैं अपने मेल पे, और मेल पे आने के बाद जो है ये ईमेल आईडी मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। यहाँ पे आपको एड्रेस में इसको डालना है, और सब्जेक्ट में हमको डालना है आज की तारीख। आज की तारीख का मतलब जिस दिन आप ये मेल कर रहे हैं उस दिन की तारीख। और नीचे हम आके यहाँ अपने आईडी को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मेल करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी मेल आईडी का इस्तेमाल करें जिस मेल आईडी से आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है हमने पेस्ट कर दिया, और इसको हमने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद फ्रेंड्स कुछ समय के बाद आपको एक मेल प्राप्त होगा जिसमें एक आईडी मिलेगी आपको। चलिए मेल आ गया है, और इस आईडी को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने रिसेटर के उस डायलॉग बॉक्स पे चलते हैं जहाँ से मैंने की कॉपी किया था। चलिए हम वहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे इंटर की करते हैं, और इंटर की करने के बाद यहाँ पे हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम ओके करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका सॉफ्टवेयर रेडी है। ये सॉफ्टवेयर आपका वन टाइम के लिए रेडी है। एक बार आप 100% जो है अपने प्रिंटर को रीसेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यदि इस बात की जानकारी चाहिए कि इसको रीसेट कैसे करना है, तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम से क्या क्या प्रिंटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इसको रीसेट कैसे कर सकते हैं। आशा है दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और भविष्य में प्रिंटर की ऐसी समस्याओं के समाधान पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब